चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। तो आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि आपके करियर में क्या होने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे सिविल सर्विसेज या फिर नीट या फिर जेई या फिर लॉ एग्ज़ाम, कोई भी किसी तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या फिर अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आज हम देखेंगे कि क्या आप सक्सेसफुल होगे जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, और आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। हम भगवान के एंजल्स के मैसेजेस भी आपके लिए देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली करियर के अकॉर्डिंग है कि आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या क्या होगा और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप में या फिर आप मुझे मेल भेज सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में करती हूँ, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। तो अगर आपको एकदम स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर करवाइएगा। तो आज मैंने यहाँ पर दो पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1 रेड रिंग, पाइल नंबर 2 येलो रिंग। वीडियो को पॉज करके थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, देन धीरे से आईज को क्लोज करके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। उसके बाद आपको जो भी पाइल इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है वो पाइल चूज़ कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ना ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर वीकली रीडिंग्स देती हूँ और हीलिंग मेथड्स भी बताती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं तो आपको वीकली रीडिंग्स मिल जाएगी और आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। ऑल्सो ये मेरा न्यू चैनल है, ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी हमेशा मिलती रहे। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ मेरे पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इन पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इस रेड रिंग को चूज किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो पाइल नंबर 1, चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है द हर्मिट, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द सन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 आपके लिए मेजर अरकाना से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर अरकाना से मुझे 5 कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए, और मैं आपके साइंस बता देती हूँ। आप फायर साइन के हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज, या फिर वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पे लिब्रा भी दिख रहा है, वर्गो भी दिख रहा है। तो आप लिब्रा, वर्गो, फायर साइन और वाटर साइन किसी में भी, मून राइजिंग, सन राइजिंग किसी में भी, ये साइंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपके दूसरे साइंस भी हो सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे यहाँ पे इतने ही साइंस फ़िलहाल दिख रहे हैं। तो मुझे अभी दिख रहा है कि शायद आप बहुत थक चुके हो, मे बी आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो या ढूंढ रहे हो या कुछ भी कुछ एक स्टार्ट चाहते हो, तो शायद आपको वो नहीं मिल रहा है और आप शायद बहुत डिप्रेस्ड हो या फिर बहुत दुख में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद थक चुके हो वो चीज़ कर करके, ट्राई कर करके। या फिर आप अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ तो शायद आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और आपको एक क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऐसा सोचते हो कि अगर मतलब आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपको जो आप कर रहे हो उसका आपको फल मिलेगा कि नहीं। तो इसी में आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कि अगर मैं इतना हार्डवर्क करूँगा या कर रही हूँ तो मुझे फल मिलेगा कि नहीं, मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं। आप मतलब उस थॉट में ही फंस जाते हो कि हार्डवर्क तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा,
बट देन वैसा रिजल्ट मेरे पास आएगा कि नहीं, तो इसीलिए शायद आप चीज़ों को रुक गए हो, चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, मन ही मन दिमाग में ही सोच रहे हो, मन में ही थॉट्स हैं कि आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, इसके लिए मेहनत करूँ कि नहीं करूँ, इवन अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं, तो आप इसी में फंस चुके हो और आपको मतलब बहुत कन्फ्यूजन्स है कि आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, सक्सेसफुल बनोगे कि नहीं, ओके और अगर कंपिटेटिव एग्ज़ाम की बात करो तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, चांस मिलेगा कि नहीं, सीट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। जॉब की बात करूँ तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद उतना वर्थ नहीं कर रहे हो, मतलब शायद आपसे भी अच्छे लोग हैं और जिनको शायद आपसे पहले जॉब मिल जाए, आपको ऐसा चीज़ें सताती रहती है मन ही मन, तो थॉट्स आपके बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिकल फील्ड के लिए तैयारी कर सकते हो या फिर कोई भी जैसे ऑथोरेटिव पोजीशंस के लिए होते हैं जॉब या फिर उसकी तैयारी, जैसे कि कोई ऑफिसर के लिए या फिर IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, SSC एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह, नीट JEE भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे और यहाँ पे लॉ भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हों या फिर लॉ के लिए कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, ये सब हो सकता है। मुझे यहाँ पे पैशनेट एनर्जी भी बहुत दिख रही है, शायद आप अपने पैशन को अपने करियर बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे वॉन्ट्स हैं, तो हो सकता है कि आप अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हो लेकिन उसमें आपको कुछ एक स्टार्ट नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो उसमें शायद बहुत कंपटीशन है, उसमें बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, आपको शायद ऐसा फील होता होगा कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, तो आप फंस से जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग के साथ आप कैसे कंपटीशन करें, अगर करेंगे भी तो आपका हो पाएगा कि नहीं, मतलब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्लैरिटी है अपने डिसीजन को लेके, मतलब आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिसमें भी करियर ग्रो करना चाहते हो, आपको उसमें क्लैरिटी है, मतलब आपको पता है कि आपको यही करना है, मतलब आपको किसी करियर के बेसिस में अगर मैं बोलूँ तो आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है या फिर ऑप्शंस में आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैं इस तरफ जाऊं या इसमें करियर बनाऊं या इसमें करियर बनाऊं, मतलब आपको पूरा क्लैरिटी है कि अगर आपको कुछ किसी भी फील्ड में करना है तो वही है, मतलब आप अपना 100% एक पर्टिकुलर फील्ड में ही देने की कोशिश कर रहे हो और चाहते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद बहुत सारा बर्डन ले लेते हो, एक साथ में लोड ले लेते हो, मतलब हो सकता है कि आपको जितनी तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको जितने जॉब्स देखने चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए, आप एक ही साथ में बहुत सारे अपने ऊपर बर्डन ले लेते हो, जो आपको नहीं करना है, एट ए टाइम एक ही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। आप इतना सारा बर्डन ले लेते हो कि फिर आप क्विट कर देते हो, आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, डीमोटिवेटेड हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि ओवर हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप का ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना पसंद करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारा कर देना है, एक ही दिन में बहुत कुछ कर देना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका आपके पास फेम हो, सक्सेस हो, लोग आपको जाने, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं, आप चाहते हो कि लोगों के हेल्प करो, आप फाइनेंशियली स्टेबल बनो, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करना चाहते हो, मुझे ऐसा अभी यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने थॉट्स को बहुत सारी जो थॉट्स आ रही हैं मन में, जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको बैलेंस करना है, स्थिरता लानी है थॉट में, मतलब अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको किसी करियर में, किसी करियर के फील्ड में, किसी स्ट्रीम में जाना है, तो आप काम माइंड से उसे सोचिए, समझिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और धीरे धीरे स्टेप्स लें, स्मॉल स्टेप्स लें, ताकि आपको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो और आपका काम भी बनता रहे और आप आगे भी बढ़ पाओ। मुझे यहाँ पे फ्यूचर में अगर मैं बताऊँ आपकी सक्सेस का, आपकी जो भी फील्ड है या फिर आप अगर जॉब में ट्राई कर रहे हो या फिर जॉब में हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है हाईली चांसेस है कि आपके पास कोई एक सडन अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसकी आप चिंता भी नहीं कर सकते, मैंने मतलब आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटीज आ जाएगा या फिर आपको सक्सेस मिलेगी। और मुझे द फूल से भी ये लग रहा है कि शायद आप
अपने मतलब इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप बिना रिसर्च किए ही या बिना गहराई में उस फील्ड के बारे में, उस स्ट्रीम के बारे में जानकर ही आप तैयारी कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्ट्रीम में हो आप, किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके बेसिक से स्टार्ट करना होगा और सारी चीज़ों को देख कर आगे बढ़ना होगा, सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी दिख रहा है, तो और एट ऑफ वॉन्स, न्यू द फूल और द सन से मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है, बट ये है कि आपको डिटरमाइंड रहने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत हैप्पीनेस, बहुत अबंडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे येल्लोइश भी कार्ड्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो येल्लो मीन्स प्योरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, हारमोनी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और सन है तो सन से तो डेफिनेटली आपके पास खुशियाँ आएंगी, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाहते हो अपने लाइफ में करना, वो आपके पास डेफिनेटली आएगा, न्यू स्टार्ट होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको न्यू जॉब मिलने के बहुत हायर चांसेस हैं, सडनली आपको अचानक से मिल सकते हैं और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपको मिल सकता था इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल्स हैं, बहुत लोग एक चीज़ को, एक पोजिशन को पाने के लिए लड़ सकते हैं आपके स्ट्रीम में, बट देन आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करके क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जब आप क्लैरिटी ला दोगे, जब आप सारी चीज़ को एनालाइज करोगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हार्डवर्क को कंटिन्यू करोगे, डिटर्मिनेशन रखोगे और अपने आप को ट्रस्ट करोगे, तब जाके आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। और सक्सेस आपके वे में ही है, आपको कोई सक्सेस पाने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से अगर मैं बोलूँ फ्यूचर का, अगर करियर के रिलेटेड मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो आपको डेफिनेटली खुशियाँ तो मिलेंगी ही, बट आपको अपने जो अपने हैबिट्स हैं, अपने जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, जो लाइफस्टाइल है, उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और आपको कंफर्ट जोन से भी निकल कर आना पड़ेगा ताकि आप सक्सेस पाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी ही हार मान जाते हो, मतलब आप ज़्यादा सोचते हो कि अगर आप ट्राई करोगे या फिर आप पढ़ोगे या फिर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप उतना ना सोचें, ठीक है, लोगों के लिए तो बिल्कुल ना सोचें कि आपकी जगह किसी और को मिल जाएगा तो क्या होगा, ऐसा वगैरह वगैरह। और ये भी ना सोचें कि अगर पढ़ूंगा या फिर अगर मेहनत करूंगा या फिर अगर जॉब्स वगैरह ढूंढूंगा तो मेरे पहले किसी को मिल जाएगा, मुझे नहीं मिल सकता। ऐसे थॉट्स आप जब तक रखोगे तब तक आपको नेगेटिविटीज ही सी रहेंगी आपके चारों तरफ और आपको सक्सेस मिलने में मुश्किल होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई करें, जॉब्स ढूंढें या जो भी आपका पैशन है, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे स्टार्ट करें। और आप अपने अंदर हिम्मत रखें कि हाँ, यू कैन डू इट, ओके। तो दूसरों के लिए या फिर कुछ भी दिमाग में ही आपको थॉट्स नहीं बनाना है, ठीक है, आपको काम करना है। जब तक काम नहीं करोगे तब तक कैसे फल मिलेगा, ठीक है। अगर सोचते ही रह जाओगे तो फिर वो स्टैग्नेंट पोजिशन में ही रह जाएगा, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक किसी चीज़ में भी कुछ नहीं हो सकता और क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और कर्म करते जाइए, लेकिन फल की चिंता मत करिए, ठीक है। अगर आपका कर्म अच्छे हैं तो फल आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और इस पाइल वन जिन्होंने भी चूज़ किया है उसको मैं बोलूँगी, उन लोग को, आप लोग के हाथ में है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपके हाथ में है सक्सेस। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सक्सेस आपके वे में ही है, सक्सेस आपको मिल के ही रहेगा। तो देख लेते हैं कि भगवान आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स जो हैं वो आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले है बिलीव इन गॉड। तो आपको भगवान पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप शायद ट्रस्ट नहीं करते हो। भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान की पूजा आरती कीजिए, चेंजेस आर कमिंग। देखिए द फूल, देखिए मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ अच्छे से, द फूल और ये मैसेज, चेंजेस आर कमिंग। तो फूल भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है तो ऑब्वियसली चेंज होने वाला है। चूज़ द राइट पाथ फॉर यू, तो आपके लिए जो पाथ सही है, जैसे मैंने कहा, एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप जाइए तो थोड़ा देखिए चीज़ को कि कौन सा आपके लिए सही है कौन सा गलत है। फिर हार्डवर्क एंड फोकस विल ब्रिंग योर सक्सेस, ओके। ऑब्वियसली हार्डवर्क करते रहिए, फोकस आपको रखना है, ठीक है, फोकस आपको रखना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए। हैव क्लैरिटी, देखिए ये सब स्वॉर्ड्स और इससे हैव क्लैरिटी, तो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और एक ही चीज़ पर आपको अड़े रहना है। फिर है वर्क हार्ड, ओके, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है बहुत गाइस, स्टे फोकस्ड, देखिए बार बार आ रहा है, फोकस बनाए रखिए, फोकस बिल्कुल ना गवाइए। इस पैंडमिक में, इस पैंडमिक के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत मुश्किल होता है,
फोकस बनाए रखना, कंसंट्रेट करके रखना एक चीज़ पे, बट करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना फोकस करके रखोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। डोंट लूज होप, होप ना छोड़े, होप बिल्कुल ना छोड़े, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। फिर है लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, वर्क विथ योर हार्ट। अच्छा, तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसे आप दिल से कीजिए। अगर उसमें आपकी इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो उस टाइम पे आप ना करें। आपको जब मन करेगा, जब आपको लगेगा आपको करना चाहिए, तो कीजिए। मतलब जो भी काम है दिल से कीजिए। अगर दिल से करोगे तो डेफिनेटली अच्छे से फिनिश हो जाएगा और सक्सेस मिल जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को बिलीव कीजिए, ठीक है। अपने डिसीजंस पे को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने आप को जब तक नहीं मानोगे तब तक आपको कैसे सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अपने जो डिसीजंस हैं, जो अपने आप को आप रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को माने, फिर है यू कैन डू इट, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, आपके हाथ में ही है। और पाइल नंबर वन, मैं आपके मैसेजेस और ये कार्ड्स देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल आप ज़रूर बनोगे, ठीक है। और अबंडेंस आपके पास आने ही वाला है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जितना भी सक्सेस चाहते हो, जितना भी लाइफ में लग्जरी चाहते हो, सब आपको मिलेगा, ओके। तो पाइल नंबर वन आज के दिन, बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए कौन सा कार्ड देख लेते हैं। हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है सेवन ऑफ कप्स से कि शायद आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मतलब जो भी आपके सपने हैं वो आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, उसी के बारे में ड्रीम्स करते रहते हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ इनिशिएटिव या फिर उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप सपनों में ही फंसे हुए हो। आपको लगता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा बनूँगा या फिर इस जॉब में जाऊँगा, बट देन आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो। आप खुद में ही फंसे रह जाते हो, अपने ड्रीम्स में ही फंसे रह जाते हो। तो आपका ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जितना आप सपने देख रहे हो उसको सच बनाने के लिए आपको हार्डवर्क भी उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। पाइल नंबर वन, ओके, थैंक यू पाइल नंबर वन। ले बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ इट रेजोनेट्स वेल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर वन। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू या फिर इस येलो रिंग को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। पाइल नंबर टू, देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द मून, एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट इन रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो आपके साइंस बता देती हूँ। आप फायर साइन के हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, चौरस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो। तो ये सब साइंस मुझे अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप अभी बहुत स्टक हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, ठीक है, और रुके हुए ऐसा लग रहा है आपको होगा कि आपका लाइफ रुक चुका है, किसी करियर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गेन नहीं हो रहा है। अगर जॉब में हो तो शायद आपकी जॉब नहीं हो सकती है इस टाइम पे, शायद आपको जॉब नहीं है आपके पास, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, अटके हुए से लग रहा होगा आपको कि कैसे प्रोग्रेस होगा, कैसे क्या स्टेप्स लूँ, क्या होगा। तो बहुत ही यहाँ पे सैड कंडीशन आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा हैंग्ड मैन में, ठीक है, लटका हुआ है इंसान। तो मुझे लग रहा है कि आप भी फंसे हुए से हो, और मुझे लग रहा है कि आप दुख में हो, बट स्टिल आप चाहते हो कि आप दुख से निकलो, या जो भी आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उससे बाहर निकलो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उस जो भी आपके दुख हैं या फिर जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, उससे आप निकलो, ठीक है। उससे निकलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा है कि आप एक टाइम पर कोशिश तो करते हो, बट एट द अदर टाइम आप बहुत दुखी हो जाते हो, ठीक है। आप में बहुत सारी दुख भर जाती हैं, आप अपने ही बारे में सोचते रहते हो बहुत कुछ कि क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे या कैसे सक्सेस मिलेगा, कुछ भी हो। बट अभी आपका जो कंडीशन है तो मैं बोलूँ कि बहुत सैड है, बहुत ही ज़्यादा दुख में हूँ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आपके करियर में सक्सेस आएगा, कैसे आपके पास फाइनेंसेस होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या अगर आप जो भी अपने पास्ट जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी दुख है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उससे आपको निकल के आने की बहुत ज़रूरत है।
नो डाउट कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में रेजिस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। एंड मुझे द हेरोफेंट इन रिवर्स से लग रहा है कि आपके जो इनर वॉइस आपको कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, वो आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हो। आपके जो इनर वॉइस, इंट्यूशन, जो भी पावर्स हैं आपके, वो शायद अभी इस टाइम पे ब्लॉक्ड हैं। मतलब आपका मन जो चाहता है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप हर जगह गेन देख रहे हो कि कहाँ गेन है, तो आप उसी तरफ जाने की ट्राई कर रहे हो, बट आप अपने अंदर की जो भावना है, वो जो आपको करने को कह रही है, वो आप नहीं कर रहे हो, उसे आप इग्नोर कर रहे हो। ऑल्सो द हेरोफेंट इन रिवर्स से मुझे लग रहा है कि अगर आप जॉब वॉब करते थे तो शायद आप फायर हो चुके हो, आपके बॉस वगैरह से कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर जो आपके हेड हैं, जो आपसे ऊपर हैं, ऊपर रैंकिंग में हैं, उससे भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकती है। और एक मुझे लग रहा है कि द हेरोफेंट इन रिवर्स है कि शायद आपको हेल्प ज़रूरत है, आपको किसी की गाइडेंस ज़रूरत है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको किसी एल्डर, टीचर या कुछ भी जो आपको मदद कर सके एकेडमिक फील्ड में, या फिर आप अगर किसी अपने पैशन को करियर बनाना चाह रहे हो, तो कोई गाइडेंस वाला आपको ज़रूरत है। शायद आपकी मदद नहीं ले रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी से मदद ले रहे थे तो उससे आपको हेल्प नहीं मिली, और जिसे आप हेल्प मांगना चाह रहे थे उससे आपको गलत मोटिवेशन या फिर गलत एडवाइसेस मिले होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कुछ लोग हो सकते हो कि आप लोग के पास ऑप्शंस हो और आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि किस स्ट्रीम में जाएँ या किस फील्ड में जाएँ तो सक्सेस मिलेगा, किस तरफ जाएँ तो अच्छा होगा, बट देन आप दोनों में से किसी को भी चूज़ करना आपको मुश्किल लग रहा है। आप चाहते हो कि आप दोनों करियर में ही जाओ या दोनों फील्ड में ही जाओ और दोनों में ही सक्सेस गेन करो, बट स्टिल आप दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो पूरी तरीके से, किसी एक को पूरी तरीके से चूज़ नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेंथ यूनिवर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, आपको बहुत होपलेस सा फील होता होगा, या फिर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आपको शायद ऐसा लग सकता है कभी कभी कि आप सब कर सकते हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप में बिल्कुल भी क्वालिटीज़ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो सोच रहे हो वो आपका सच नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है आपको इस टाइम पे, बट मुझे लग रहा है कि ये टाइम आ गया है कि आपको अपने डिसीजंस लेने हैं क्लैरिटी के साथ, ठीक है। जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स, जो गॉड, आपके साथ हैं, बट आपको डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है। अगर आप कोई भी करियर में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में और किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपने डिसीजंस लाइफ के खुद ही आपको लेने हैं, और ये टाइम अभी आ गया है कि आप अपने डिसीजंस को ले लें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है आप लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है, पैसों की तरफ आपका बहुत फोकस है, आपको ऐसा लगता होगा कि कैसे भी करके मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर में पैसा है भी, अबंडेंस भी है, ठीक है। और सिक्स ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको फ्यूचर में रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। आप अथॉरिटी पोजीशन में भी हो सकते हो, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, लोग आपसे इंस्पायर होंगे फ्यूचर में, ठीक है। आप ऐसे किसी पोजीशन में, ऐसे किसी करियर में होंगे जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है, आपका फैन बेस होगा, नेम फेम होगा, और लीडरशिप भी करोगे आप। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर अभी भी हैं, बट उसे निखारने की ज़रूरत है, और लीडरशिप वाले जॉब्स में भी हो सकते हो। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी अभी करियर से रिलेटेड, वो सब खत्म होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। द वर्ल्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि जैसा आप करोगे ना वैसा आपको आउटकम मिलेगा, तो अगर हार्डवर्क करोगे, डिटर्मिनेंट रहोगे, तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो वर्ल्ड से मुझे ये लग रहा है सक्सेस आपके वे में है, ठीक है, सर्कल पूरा हो रहा है, मतलब सक्सेस आपके बहुत पास है। तो एम्पायर से भी मुझे यही लग रहा है कि सक्सेस आपके बहुत पास है, आप हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है, बहुत ही सामने है सक्सेस आपको, आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही पास है। आप ऐसे टाइम पे पहुंच गए हो अभी कि अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे ना, तो शायद आपको वो सक्सेस, वो जॉब, वो फील्ड में जो आपको वो पोजीशन चाहते हो, वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने लाइफ में रिस्क लीजिए। अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन आपको फिर देन कन्फ्यूजन है कि मैं करूँ या ना करूँ, तो मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है। आप थोड़ा सा अपने आपको कॉन्फिडेंट बना के आप फील्ड में ज़रूर ट्राई कीजिए, जहाँ पे अगर आप पैशन आपको अगर पैशन को फॉलो करना चाहते हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी, उसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो लेकिन आप डरे हुए से हो कि उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, या फिर हो सकता है आपके फैमिली वाले सपोर्ट ना करते हों, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो किंग ऑफ नाइट ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है अपने एबिलिटीज़ पे, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ में आगे हो, आपको आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ में सक्सेस पा सकते हो। तो एम्पायर से मुझे लग रहा है कि सक्सेस आपके बहुत पास है, बट आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके पास अबंडेंस, फेम, नेम सब कुछ आएगा, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल से भी मुझे ऐसा लग रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत अवंडेंस आने वाला है, ठीक है। पैसे आपके पास रहेंगे हमेशा से, जो भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें भी आपको ऑब्वियसली चांस मिल जाएगा, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके जो दुख हैं, उससे आपको निकल के आना है, कम्फर्ट जोन से निकल के आना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने दिल की जो चीज़ें हैं, दिल में दिल जो चाहता है करना, जिस काम को आप मन से चाहते हो कि आप उस काम में जाएं, उस फील्ड में जाएं, उसी फील्ड में आप जाइए तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। और थोड़ा सा आप अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, थोड़ी चीज़ों को देखिए परखिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, बट शायद आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, शायद आपको अपनी एबिलिटीज़ पता नहीं है अभी इस टाइम पे। तो ज़रूरी है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पता चले, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे गाइडेंस है, जैसे हमारे जैसे टैरोट का रीडर्स हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। तो यही सब है, तो आप थोड़ा मेडिटेट वगैरह कीजिए, अपने आपको टाइम दीजिए एंड देन सोचिए, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी दुखी ना रहिए गाइस, ठीक है। दुख में रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम सब चेंज हो जाता है, याद रखिए। तो दुखी रहने से या फिर फंसे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आप आगे बढ़ते रहें बिना किसी टेंशन के। तो देख लेते हैं गॉड आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तुम्हारे पास है बिगिन फ्रॉम समवेयर, ओके। तो देखिए, तो हो सकता है कि आप अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से नहीं करना है, तो कहीं से भी शुरुआत करिए, ठीक है। शुरुआत करना ज़रूरी है आपके लाइफ में, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपको कहाँ से सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सब अटका ही हुआ है, कहीं से भी हो शुरुआत कीजिए अपने करियर के लिए, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, फिर यू कैन डू इट, ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मत गवाइए, अपॉर्चुनिटीज़ इन योर वे। देखिए, मैंने भी कहा था कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एकदम, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है। बी कंसिस्टेंट अबाउट योर थॉट्स, ओके। तो आपको हौसला रखना है और अपने जो थॉट्स है उसको फिक्स रखना है, ठीक है, चेंज नहीं करते रहना है। मतलब अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो आपको बस ठान लो वो चीज़, अब आपको वो करके ही रहनी है। अब है चूज़ द बेस्ट वन, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आप चूज़ कर लीजिए। स्ट्रेंथ, देखिए, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, और फिर से स्ट्रेंथ आए, मतलब आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हिम्मत मत छोड़िए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। फिर है फॉलो योर इंट्यूशन, देखिए कितना स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं। देखिए, द हेरोफेंट इन रिवर्स, और फॉलो इंट्यूशन, मतलब जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन चाहता है, वो आप कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील ना करिए। हैव फेथ, फेथ रखिए, कंडीशन पर फेथ रखिए, भगवान पर फेथ रखिए, मैनिफेस्ट। अच्छा, तो मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आप चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिर है स्टे स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग रहिए, बिल्कुल भी हाल ना छोड़े। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है तब भी आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो तो आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं, आप खुद ही सक्सेस पा सकते हो अपने दम पे। रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, ओके। तो जो भी आप चॉइस करते हो उस पर रिस्पेक्ट कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगा। टेक एडवाइस, ओके। तो हेल्प एंड रिफर्स से मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको किसी की एडवाइस चाहिए, तो आप अपने टीचर्स से या फिर आपके जो क्लोज वन है, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, या फिर टैरोट का रीडर, या फिर मुझसे, आप अगर आप चाहते हो तो एडवाइसेस ले सकते हो। हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखिए, तो हेल्प आप लीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कंप्यूटर एग्जाम के लिए, तो आप हेल्प लीजिए, ठीक है, कोई टीचर से, या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हो, या किसी ना किसी चीज़ से, बुक से, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, जो लर्निंग एप्स होते हैं उसका यूज़ कीजिए, कुछ ना कुछ आप हेल्प लीजिए, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और आपको और भी मतलब सक्सेस के आगे आप बढ़ पाओ। फिर है कंसंट्रेट, ओके। तो हो सकता है कि आपका कंसंट्रेट लेवल बहुत कम है, शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो आप चीज़ में, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कंसंट्रेट रखना है, मुश्किल होता है पहले पहले, बट धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी चलने लगेगी। तो बिल्कुल भी दुख में ना रहें, ठीक है, सक्सेस आपके साथ है, आप आगे बढ़ते रहें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके मेहनत करते रहें, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पॉइंट नंबर 2।